टैक्स बार एसोसिएशन के आह्वान पर अधिवक्ताओं ने जीएसटी कार्यालय में कार्य बहिष्कार के साथ धरना दिया। धरने के बाद अपनी मांगों के संबंध में जिला अधिकारी एवं ज्वाइंट कमिश्नर कार्यपाल को प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा, जिसमें मरियल और सड़ियल पोर्टल को दुरुस्त करने की मांग को उठाया गया। एसोसिएशन ने कहा कि सरकार फॉर्मेलिटी के नाम पर लगातार लूटने का कार्य कर रही है, इसे बंद किया जाए और जीएसटी R1-9 तथा 9A में संशोधन का अवसर दिया जाए। उन्होंने कहा कि अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई तो हम जीएसटी कार्यालय में तालाबंदी का कार्य करेंगे। फिरोजाबाद से राकेश वर्मा के साथ जाहिद हुसैन की रिपोर्ट। मैं कुलदीप कुमार मित्तल एडवोकेट, संभागीय करदाता फोरम का चेयरमैन हूं और आज यहां हम प्रांतीय आह्वान पर चारों बार एसोसिएशन के साथ मिलकर के यहाँ धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम कर रहे हैं। जीएसटी प्रावधानों में तमाम जटिलताएँ होने और पोर्टल ठीक तरह से न चलने के खिलाफ आज यहाँ इस धरना प्रदर्शन को आयोजित किया गया है और इसमें मुख्य रूप से यह मांग उठाई गई है कि जो भी रिटर्न फाइल करने में दिक्कतें आ रही हैं उनको समाप्त किया जाए, पोर्टल का वजन हल्का किया जाए, उसकी क्षमता बढ़ाई जाए, 2017-18 के जो एनुअल रिटर्न फाइल करने हैं उनका समय बढ़ाया जाए और जो रिटर्न की संख्या बहुत ज़्यादा है उनको कम किया जाए, उनका सरलीकरण किया जाए। सरकार कहती तो बहुत कुछ है लेकिन करती बहुत कम है। सरकार को इन सब लोगों को जो आश्वासन देती है उनको कार्य रूप में प्रारंभ करना चाहिए, यही हमारी मांग है। मैं अशोक बाबू अग्रवाल एडवोकेट, प्रांतीय उत्तर प्रदेश प्रांतीय संघ से जोनल चेयरमैन। अच्छा, किस तरह का धरना प्रदर्शन किया जा रहा है? आज हम पूरे प्रांत में उत्तर प्रदेश टैक्स बार एसोसिएशन के आह्वान पर आज जिला फिरोजाबाद में हम चार संघ, टैक्सेशन बार एसोसिएशन सुखाबाद, इनकम टैक्स बार एसोसिएशन फिरोजाबाद, डिस्ट्रिक्ट टैक्स बार एसोसिएशन फिरोजाबाद, टैक्सेशन बार एसोसिएशन फिरोजाबाद, चारों संघ मिलकर आज यहाँ राजकर विभाग कार्यालय पर एकत्रित हुए हैं और जीएसटी पोर्टल मरियल सड़ियल स्थिति में चल ही नहीं रहा। जो नक्शे दाखिल होते हैं उस नक्शे दाखिल करने में आखिरी दिनों में बिल्कुल 4-5 दिन के लिए बंद सा हो जाता है, मृत प्राय है, जिसके विरोध में कि उसको सही किया जाए, इसलिए हम आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके साथ साथ जीएसटी में तमाम विसंगतियाँ हैं, जैसे कि अपील फाइलिंग का जो समय है, स्थान है, वो जहाँ गाड़ी पकड़ी जाती है वहाँ के ही अपील ऑफिस में अपील फाइल होगी, जिसके हम विरोध में हैं। जहाँ व्यापारी पंजीकृत है वहीं पर अपील का अधिकार होना चाहिए। इसके साथ साथ 1 माह का समय केवल अपील फाइल करने में देरी के लिए दिया गया है, जबकि लिमिटेशन एक्ट लागू नहीं किया गया। लिमिटेशन एक्ट लागू करते में किसी कारण के आधार पर यह अपील फाइल की जा सकती है, इसके लिए दूसरे GSTR 1, 3B, 9, 9A, 9C को फाइल करने का जो भी समय है उसमें संशोधन और रिवीजन के लिए भी हमने मांग की है और मांग कर रहे हैं। इसके साथ साथ इनको एनुअल रिटर्न फाइल करने का समय जो 31 जनवरी को समाप्त हो रहा है उसको 31 मार्च 2020 किया जाए, इसी के लिए हम सभी आप पूरे प्रांत में धरना दे रहे हैं और हमने फिरोजाबाद में भी ये धरना दिया है। हम राहत अली एडवोकेट। अच्छा, आज किस तरह का धरना प्रदर्शन किया जा रहा है? ये हमारा धरना प्रदर्शन सुबह से चल रहा है आज और जीएसटी पोर्टल के विरोध में है। जीएसटी पोर्टल इतना ख़राब चलता है कि हम सारे अधिवक्ता बीमार पड़ गए हैं और आज का जो धरना प्रदर्शन है पूरी यूपी लेवल का है। ये हमारी उत्तर प्रदेश टैक्स बार एसोसिएशन के आह्वान पर है। इसमें सुधार के लिए हम डिमांड कर रहे हैं, इसमें सुधार होना चाहिए। लास्ट में 3-4 दिन के लिए तो पोर्टल बिल्कुल बंद हो जाता है, बिल्कुल रिटर्न दाखिल ही नहीं हो पाते हैं। संशोधन का कोई प्रावधान नहीं है, संशोधन का प्रावधान होना चाहिए, अपीलेट का प्रावधान होना चाहिए। जहाँ अपील पंजीकृत व्यापारी पंजीकृत है वहाँ अपील का राइट होना चाहिए, जबकि माल पकड़ता है जहाँ वहाँ उन्होंने ये रखा है अपील दाखिल करने का राइट, ये गलत है। ये व्यापारी के साथ धोखा है, उसके खर्चा अननेसेसरी होता है, बुलावजा में परेशानी होती है, आने आने में भागदौड़ करना पड़ती है तमाम। ये सुविधा उसी जगह होना चाहिए जहाँ व्यापारी पंजीकृत हो। Incredible Marriage Palace, Rajgharana, and the finest banquet hall, Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching, and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।